जस्ट एंट्रेंस है और देखो सामने नहर है, उसमें क्रोकोडाइल्स भी है लिखा हुआ है। ओ भाई आंख नहीं जा पा रही उतना दूर तक है ना, काफी बड़ा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट हम फोटो के लिए रुके हैं, तो फोर्ट गए नहीं है और यहीं से हम पागल हो गए फोर्ट का पूरा व्यू देख के, बहुत सही है। हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। सो आज हम हैं जयपुर में और जयपुर की आइकॉनिक जगह आमेर फोर्ट में। जी हाँ हम अभी आमेर फोर्ट आ चुके हैं और ये मैं आमेर फोर्ट के कोर्टयार्ड से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जी हाँ आज हम आए हैं आमेर फोर्ट और आमेर फोर्ट में हम आज पूरा दिन रहेंगे। सो फ्रेंड्स अभी जो आप देख रहे हो ये एक लेआउट है आमेर फोर्ट का और आमेर फोर्ट का डोट गेट है चांद पोल एंड सूरज पोल। तो हम लोग पीछे वाले गेट जो है चांद पोल वहाँ से अब ऊपर जा रहे हैं, आप चाहो तो सामने से भी जा सकते हो। ये जो नीचे वाला जोधा का बर्थ पहले से वाला ओके वो जो नीचे दिख रहा है नीचे वाला जोधा का बर्थ पहले बारमन दास बागवन दास मान सिंह जी सब पहले नीचे रहते नीचे थे। जब ये मेल तैयार हुआ जो ऊपर है वाह ये कोटियाड है बहुत सही बनाया है। यस कितना बड़ा कोटियाड है फ्रेंड्स। ओ केला घूम के आओगे चार मिलेगा आपको। ओ हाँ सर एक फैमिली फोटो मैग्निफिसेंट कोटियाड वन ऑफ द बेस्ट फतेहपुर सीकरी से भी बेटर है इसका कोटियाड। लोग बोलते हैं okay. पहले सेना की परेड होती थी जगह जो मेन प्रैक्टिस ग्राउंड था वो जय करता जो पहले इसकी जो सेना रहती थी उसका ये प्रैक्टिस ग्राउंड था। नीचे जितने भी कमरे कमरे ये घोड़ों के अस्तबल होते हैं उसमें घोड़े बांधे जाते हैं। वो सामने वाले जितने हैं घोड़े के अस्तबल है छोटे मोटे नीचे वाले सारे घोड़ों के। तो मेन सेना रहती थी जयगढ़ में यहाँ खाली परेड के लिए आती थी नहीं जो फोर्ट की फोर्ट की, हाँ, रहती थी उसका ये प्रैक्टिस वो ये प्रैक्टिस ग्राउंड था। ओके जिस गेट से अपना इस गेट का नाम चांदपुर गेट पीछे वाले गेट का नाम सूरजपुर गेट इधर से आम जनता आती थी इधर से राजा लोग आते थे। ओके ये आम जनता के लिए चांदपुर सूरजपुर राजाओं के लिए। ओके सूरज समझा रॉयल एंट्री राजा लोग जब से जब भी आते थे वो हाथी घोड़े पे आते थे उनके वेलकम के लिए वो नगाड़ा रखा सर। हाँ नगाड़ा बजाया जाता था नो इंस्ट्रूमेंट एक साथ उसको नौकर खाना बोलते हैं। ओके आज भी मॉर्निंग टाइम में यहाँ एलिफेंट राइडिंग होती है सुबह 8 से 10 बजे से सॉरी 8 से 11 बजे तो हाथी नीचे से वेट लेके आता है यहाँ लग के छोड़ता है दो जने के वो 1100 रुपए लेता है। ओके रात्रि जो कोई भी वेट किया उनको ऐसा फील होता जैसे राजा रॉयल फीलिंग बाकी लोग जनता सब नीचे आती है इसलिए मतलब उसके वेलकम के लिए आज भी बसता ही है। यहाँ का जो माहौल होता है रोमांचक होता है सही इस महल को 5 जनरेशन ने मिलकर बनाया मानसिंह ने इसको बनाना स्टार्ट करा और जयसिंह सेकंड ने इसको खत्म करा। हैवी ज्वेलरी पहनती थी हैवी साड़ी पहनती थी उनसे पैदल नहीं चला जाता था पालकी तो वो थी जो कंधे में रखे उनके लिए व्हील चेयर होता था वाला मरीज वाला व्हील चेयर नहीं लकड़ी का बना व्हील चेयर होता था। इस वाले डोम में राजा बैठते थे इस वाले डोम में रानी बैठती थी रानी तभी आती जैसे राजस्थान के दो त्यौहार फेमस है गणगौर होती है ये त्यौहार होते थे रानी आती थी अदरवाइज जो सेना की परेड होती थी तो उसका सेनापति साथ में रहता था सलामी देने के लिए। ओके अंदर एक मंदिर है शिला माता का 16th century में मानसिंह जी लाए थे बंगाल के जयपुर जिले से पहले बंगाल था बांग्लादेश हो गया वो वहाँ से लाए थे 16th century में वो आज भी उसकी मूर्ति रखी यहाँ पर जो ये कछुआ राजा है इनकी इष्ट देवी है इनकी जो कुल देवी है तो इनकी जो सेकंड राजधानी थी वहाँ है और जो कुल देवता वो नीचे गाँव में जो कुल देवी और कुल देवता एक होते हैं इष्ट देवी अपन राज्य देवी अपन चेंज कर सकते कभी। ओके तो वो रानी जाने का रास्ता यहाँ राजा जाने का रास्ता सही बोला इतना भारी चीज लेके आप जा नहीं सकते हो
बहुत सही है भाई, रानियों के लिए अच्छा बना दिया है, लेकिन इतने भार भारी भारी चीज़ें लेके आप जा नहीं सकते, हमारी खुद की पटरी है। ओह हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंदर भी है। ओ भाई चलो भाई, एंट्री हो गया टिकट से, अभी दिखाते हैं सामने। ये बीच पे राजा सोने चांदी के सिंहासन पे बैठता था, तो आम जनता बाहर की तरफ बैठती थी, साइडों में उसके जो मंत्री लोग होते थे वो बैठे रहते। ओके, इसमें आम जनता, जनता का दरबार लगता था, जिसको फैसला लेना होता था मैं सर्जी करके खड़ा होता था। उसमें टोटली 48 पिल्लर है, जिसमें से 16 पिल्लर है मकराने के पत्थर जिससे ताजमहल बना, और बाकी का जो 32 पिल्लर है राजस्थान का सैंड स्टोन है, करौली पत्थर। करौली में दो आर्ट है, हिंदू और मुगल आर्ट। पिल्लर के ऊपर जो हाथी का सूंड है, हाँ, कमल का फूल है, वो हिंदू आर्ट है, वो टेम्पे नीचे मुगल आर्ट है, क्योंकि सन 1562 में आमेर के राजाओं ने मुगलों से अपनी बेटी व्यवहार कर ली थी। ओके, मेल हिंदू आर्ट और मुगल आर्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, उनके मुगलों से अच्छे संबंध थे, इसलिए मुगलों ने मेल बना दिया, सब कुछ करने दिया, यहाँ कभी आक्रमण नहीं हुआ मुगलों की तरफ से कभी। ओके, ये टोटल कितने इसके हैं? टोटल ये 48 पिलर, 48 पिलर्स है। ये जो व्हाइट वाले मकराने के पत्थर जिससे ताजमहल बना, ये वाला, हाँ ये वाला पत्थर है। ओके, ये बाकी का सैंडस्टोन लगा, बाहर की तरफ जो है सैंडस्टोन है रेड कलर का, अंदर की तरफ ये वो वाला मकरा। ओके, सिंगल पीस पूरा पूरा ज्वाइंट फ्री है। हाँ, यहाँ बैठते थे ये वाला ना, यहाँ पर मेन होता था, मेन होता था, मंत्री लोग। ओके, साइड वाला जो जगह है बहुत सही है, इस गांव के जमींदार बैठते हैं इस जगह पे। 27 कचेरी, जनता को अपनी जमींदार से कोई समस्या होती थी, जनता यहाँ थी, क्योंकि दीवाने आम यहाँ पर जमींदार से उसकी समस्या कल नहीं हुआ, ये मामला राजा के पास ट्रांसफर हो जाता, उस जमाने का सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट। जमींदारों का साथ यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करो, अगर नहीं हुआ तो दीवाने आम में चले जाओ। राजा ने केसर की खेती करने की सोची जगह, okay. राजस्थान का जो टेम्परेचर था वो 48 था, केसर पॉसिबल नहीं था, जिसमें चंपा चमेली कैसे से पौधे लगाए छोड़ दिए। भाई गाने का शूट होता सामने जोधपुर का, खेलने को जश्न वो यही राम की कुर्सियाँ लगी हुई, शाम को लाइट एंड साउंड होता है। केसर लगाने की कोशिश की हुआ नहीं, नहीं हुआ, ठंडा चाहिए ना। वहाँ पर दूर वो चेयर से वहाँ पर स्लाइड एंड साउंड होता है, साढ़े छह से साढ़े सात, साढ़े सात से साढ़े आठ हिंदी का, बहुत सही है। महल का सबसे सुंदर गेट है, इसका नाम गिनीज बुक में आता है। इसमें जो पेंटिंग हो रही है 400 साल पुरानी पेंटिंग है, और टोटल वेजिटेबल कलर है, जैसे ऑर्गेनिक वाले पूरा कलर है, पालक का, बकुए का, धनिया का, पीला कलर है, कच्ची हल्दी का, सनफ्लावर का, लेमन के छिलके का, लाल कलर अनार के दाने का, गाजर का, और टमाटर का, टमाटर सड़ा गला के बड़े बड़े कोटों में डाल के जमीन में गाड़ा जाता था महीना दो महीने तक, बाहर निकाल के उसमें नेचुरल चीजें मिला के इसको नेचुरल तरीके से बना के, उस टाइम तो ब्लॉक होते नहीं थे, जो सब्जियों के जो ब्लॉक होते थे उससे बन, बहुत सही है यार। फास्ट से दिखाते हैं।
जो सामने दिख रहा है नीचे वाले रॉयल किचन होते दोस्त टाइम। ओके आजकल क्या प्री वेडिंग होती है, हाँ प्री वेडिंग के लिए कपड़े एक्सचेंज करने के लिए। ओके ऊपर वाले वो जालीदार थे, ये राजा लोगों को डाइनिंग रूम होता था। ओके जाली वाले जगह पे खाने का होता है डाइनिंग रूम और यहाँ खाना बनता था, नीचे की तरफ खाना बनता। ओके अभी आ गए हम दीवाने दीवाने खास में। हाँ पूरा ग्लास इस वाले अपार्टमेंट को मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था, उसकी दो रानियां थी, इस जगह को तीन नामों से जाना जाता है, दीवानी खास के नाम से, शीश महल के नाम से और जस मंदिर के नाम से। ये जो ग्लास है राजा ने 300 साल पहले बेल्जियम से लाए थे, ये जो मार्बल है इटली से लाया था। राजा ने अपनी रानियों के लिए तीन आधुनिक महल बनाए थे, सर्दी का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का। ये वाला सर्दी का पहले क्योंकि इसमें ग्लास लगे हैं, ऊपर ये छज्जे दे रहे हैं, इसमें हॉल दे रखा है मार्बल में। ओके इसमें कॉपर का पाइप डाल के नीचे तक वेलवेट के पर्दे लटकाए जाते थे, जो आयरन हुक है इसमें सिल्क के पर्दे लटकाए जाते थे, जो सिल्क है वो सर्दी को बाहर रोकता है, जो वेलवेट अंदर मसाले चलते थे, दीपक चलता था, कैंडल चलता था, इसकी जो हीट होती थी पूरा शीशा से बना है, इंटैक्ट है, अभी भी शीशा इंटैक्ट है। ओके जैसे आपने देखा दीवाने खास तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वे में। ये कौन सा रास्ता है? ओके राजा रानी के बहुत ख्याल रखते हैं। उड़द की दाल, पकोड़े, ठंडा मुल्तानी मिट्टी सबका ओके ये देखो नीचे वाला हो गया सर्दी का महल हो गया, ऊपर हाँ। वाला गर्मी का महल था। ओके। तो दोनों डोम लगा, इसमें पानी का टैंक है, एक तीनों गेट के ऊपर एक कॉपर का पाइप जा रहा है, हाँ। दोनों डोम से कनेक्ट था। तीनों गेटों पर जो कसकस होता है जो कूलर में कूलर, हाँ। वो कसकस उस पर लटकाए जाते थे गेटों पे, समझ गया। पाइप में से पाइप में छोटे छोटे छेद थे, कसकस पे कंटिन्यू पानी गिरता रहता था, टिप टिप टिप, हाँ। जैसे हवा चलती वो उसको पूरा कूलर जैसा पूरा के अंदर जाती थी, ठंडा ठंडा। उस टाइम राजाओं को बिना एसी पंखे का ये जुगाड़ लगा, इसीलिए जानबूझ के ऊपर रखे कि हवा भी आएगा। ये ऊपर मतलब ये जो डोली हाँ। बनी हुई हाथी की जो पीठ होती है उस प्रकार बनी हुई, जो सूरज बीच वाला एरिया, हाँ जो सूरज पड़ता है तो उसको मतलब उस पर जैसे हाँ। सिंपल रहता है, उसको तेज धूप तेज पर इसमें वो स्कैटर कर देता है, स्कैटर कर देता है तो तेज नहीं रहता। ये कौन सा बाग कुछ है यहाँ किसे? चार शैली बाग है। ओके यहाँ भी एक गाने का शूट हुआ था, कहने को जश्न-ए-बहार यहाँ पर हुआ था, यहाँ अंदर हुआ था। ओके
ये ज्योमेट्री के हिसाब से बना हुआ है, हेक्सागन पेंटागन। वो बीच में जो है ना, वो हम फतेहपुर सिकरी गए थे वैसा है ना, उसका भी बीच में ऐसा है, अंगूर वाले बागान होते थे वहाँ पर, तो उस जैसा ही है। वो सामने जो फ्लैग लगा हुआ, हाँ मतलब उस टाइम राजा लोगों का सिग्नल होता था ये वाला, okay. मतलब सिंगल फ्लैग होगा इसका मतलब राजा यहाँ नहीं है, सिंगल के ऊपर एक डबल वाला और एक छोटा वाला फ्लैग जो है उसका मतलब राजा यही है, मतलब शहर में ही है। ये राजाओं की अभी जो कोठी बन जनरेशन है आज भी रहती है सिटी पैलेस में। ओके, वो तो शहर के अंदर है ना। सिटी पैलेस पहले 1726 तक यहाँ रहते थे, 1727 के बाद जब जयपुर बसा। रखे हाँ। ये जोधपुर की जो पिक्चर शूटिंग हुई थी यहाँ पर, जो इसमें ऐश्वर्या राय खाना बनाए थे इस कड़ाव में, ये शूटिंग के टाइम के पुराने नहीं है। ओके, उन्होंने बनाए थे उसके, ये टुकड़ों में लेके आए थे, वेल्डिंग हुई थी इसकी। तो इसके जो डायरेक्टर है छोड़ गया, गवर्नमेंट ने इसके कलर पेंट करा के देखने को सामने आ रहे अंदर से गेट लगा हुआ टनल है, नीचे से जाती है जयगढ़ वहाँ तक, वहाँ पर उठती है जयगढ़ फोर्ट। ओके, बहुत सही है। ओके, ये कौन सा है, डाइनिंग अंदर बंद हुआ है ना। हाँ, पेंटिंग हो रही बहुत अच्छी खासी पेंटिंग हो रही है। हाँ यार, उनके खास लोग आते हैं वो खाते थे ना। हाँ, उसकी रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली। ये वेजिटेरियन थे या कैसा था? वेजिटेबल कलर है सारे सारे वाले, मतलब मेल में जितना भी काम हो रहा है। हाँ, सब वेजिटेबल कलर से। ओके, तो हाँ पक्के कलर्स तो होते नहीं। वो सही है, रॉयल डाइनिंग ये वाला जगह। ओ आराम से स्लीप हो रहा है, देख के किस तरफ जाना है, यहाँ पर राइट। रॉयल डाइनिंग वही हमारा कॉरिडोर है ना, वही कॉरिडोर है ये दीवाने खास, वही चीज का। ये पालकी है, ये रानी का बीच है, ये पूरा सैंडलवुड से बना हुआ है, इसमें जो काम हो रहा है मीनाकारी का काम हो रहा है। जो रानी होती थी 9.5 kg से लेकर 14 kg तक के रियल गोल्ड की साड़ी पहनती थी, बाप रे 10 kg की पूरी बॉडी में ज्वेलरी पहनती थी, अप्रोक्स 50 kg उसका वजन होता था, 50 से 55। तो ऐसे वो नीचे से रनिंग से लेके आते थे, उससे पैदल नहीं चला जाता था, इस पे बैठ के हो जाती थी। बाप रे, जो कार भी हो रही है गार्डन की टुकड़ों की थी। ओके, जैसे राजा लोग कोई भी आर्ट लेके आते उसमें या तो दरवाजे में उतारते थे या दीवारों पे छपाते थे कि आगे कारीगर इसको ना भूले ना भूले। तो इतना लोगों ने सबको निकाल लेके ग्लास पकड़ दिया, चंदन के लकड़ी बहुत सही। बारह के लिए 4x3 तीन तीन कमरे, ये पीछे वाला। हाँ, ये वाला बाथटब। ओके, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रहते थे, ट्रांसजेंडर समझ गया। रानी का एक कमरा होता है, इस तरफ तीन होते थे क्या ये वाले में? ये तो एक ही है, एक ही है। हाँ, साइड में तीन तीन है, उस साइड में उसके सामने तीन थे। ओके, ये है बेडरूम रानियों का। आइए, कैसे आइए
ये बेडरूम था ना, सबका सेम स्ट्रक्चर, सेम और ये हॉल 1 BHK पूरा बड़े बड़े, ये है हॉल और ये आ गया किचन, और किचन फिर मसाला कूटते थे। बहुत सही है पूरा 1 BHK पूरा मतलब पूरा सही बनाया है। एक रानी का अपार्टमेंट ये हॉल हो गया, एक दूसरी रानी का अपार्टमेंट इसके पीछे था, पीछे तीसरी रानी का अपार्टमेंट इससे आगे, ऐसे 3 कमरे इस तरफ हो गए। ओके, ये जो जहाँ पे बैरिकेड है वहाँ से और एक स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने चलो देखते हैं, ये एक रानी का है ये वाला, और यहाँ पर एक बैरिकेड है, बैरिकेड के बाद ये जो है ये और एक रानी का, दूसरी रानी, ऐसे एक में तीन और चारों तरफ 3 मतलब 12 हो गए, मतलब ये उनके खाली वही रानी रहती थी और उन्हीं के सब कुछ वहाँ पर, मतलब वहीं पर किचन है, वहीं पर उनका सब कुछ, पटरानी बोला पटरानी, हाँ उन्हीं के बच्चों को आगे राजा सब कुछ। ओके, उनके सब खुद के ही सब होते होंगे, हम रानी के पूरा मतलब एक रानी के साथ 10-10 हाँ। पर ये ऊपर वाले क्या है वहाँ पर, नीचे वाले विंटर के रूम थे, ऊपर वाले समर के थे, वो जो छज्जेदार दिख रहे हैं वो सब, ये छज्जे वाले तो इनकी क्या मतलब 6 छतरियां, 6 छतरी बनी हाँ, 12 रानियां थी ना, जैसे आप कोई प्रोग्राम गणगौर तीज का एक बार में 2 रानियां खड़ी होकर नीचे का प्रोग्राम देखती थी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि ऊपर जितने समर के लिए ही रखे हुए हैं ज्यादातर, नीचे वो गर्मियों के, ये विंटर के लिए। मानसिंह जी वहाँ ऊपर रहते थे सामने, जब इस गैलरी से यहाँ तक आते थे सब रानियों को पता होता था, जब वो नीचे आए वो किस रानी के पास गए ये नहीं पता होता था, क्योंकि जो पीछे वाली दीवार है इसलिए बनाई गई, सामने वाली रानी को पता नहीं चला किस रानी के पास गए, तो यहाँ तक ही समझ में आता था कि राजा आए हैं, आ रहे हैं, लेकिन गए कहाँ किसी को नहीं पता। हाँ, ये वाल तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, अंदर चल के देखना अपन को सीक्रेट रास्ते को नहीं दिखे, हर कमरे के आगे से सीक्रेट रास्ता है, अब वो सही है नहीं तो एक रानी का उस तरफ हो गया, दूसरी रानी का ये था, हाँ रानी का सब था ऐसे इसके सामने, हाँ कोई किसी से क्रॉस नहीं करता तो पता ही नहीं चलेगा, रानियों को एक दूसरे कमरे में जाना अलाउ नहीं था बिल्कुल, जो बातचीत करनी होती थी एक जना जोड़ी बना रही थी वहाँ के बातचीत कर सकते हैं, लड़ाई होती थी राजा बहुत चालू था, उन्होंने जानबूझ के ऐसे रखा था, ये जनाना ड्यूटी थी, यहाँ रानी आपस में बातचीत कर सकती थी आपका, ओ मतलब ये चारों तरफ रानियां रहती हैं, इधर आके तुम अपने में से बात कर सकते हो, ये आप देखो हाँ सीक्रेट रास्ते हैं, हाँ ये बिल्कुल भी नहीं दिखे अपने, हाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। और ये ज्वेलरी बॉक्स है जो एक बार पहनी तो नहीं पहनते थे वो सही ग्रेट ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स हाँ जो पहनते थे पहनने के बाद जो रख देते थे लोगों को दान हो जाता था, दोबारा नहीं पहनते थे। लेफ्ट ये कौन सी जगह में आ रहे हैं अभी भैया, ओ भाई खुफिया रास्ता सही है, चलो निकलता रास्ता, ओ राजा सही बनाया है सुरन, बहुत सही है अभी भी, हाँ इंटैक्ट में है पूरा, हाँ ये पूरा जाता है क्या, वो इंटैक्ट है पूरा, उसके बाद ऊपर है ओके, ये सब जगह जयगढ़ के लिए जयगढ़
पहली बार देखा सुरंग अभी भी इंटैक्ट है, ज्यादातर है नहीं इंडिया में। मतलब देखो राजस्थान में क्यों आमेर फोर्ट ऐसा है जो सबसे अच्छा सबसे खूबसूरत आज भी। हाँ सही बोला, बहुत सही है भाई। टनल जरूर देखना, वर्थ विजिटिंग। हाँ नैरो है, ये भी सेम है ना इस तरीके का। ये जयगढ़ के लिए नहीं, यहीं पर है। ये यहीं पर ही है। आगे और वो पीछे वाला जो गया है जयगढ़ के लिए, वो जयगढ़ के लिए है। वो लेफ्ट में जाओगे, ये राइट में। ओ भाई ये तो अपने में एक महल बना रखा है अंदर, बहुत सही है। मस्त लगा। वाह चमकादड़े चिपकी हुई इसके। हाँ मंदिर ओवर बाहर। हाँ इसमें हवा भी आ रही है काफी, ये जो है ना होल्स के कारण। हाँ इसलिए अंदर मतलब उससे घुटन नहीं लग रही है, मतलब क्लियर हवा आ रही है पूरा। ऊंचाई पे ना, हाँ ये थोड़ा जालीदार थोड़ा। हाँ एग्जैक्टली, वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा किया है, मुझे वो बहुत पसंद है। और चौड़ा भी है अंदर, ऐसा नहीं कि एक बंदा खाली चले, यहाँ तो अच्छे खासे पूरा फोर्स चल सकती है। बहुत सही बना है वेंटिलेशन के लिए। हाँ ये है उसका राज जो वेंटिलेशन वाला। एग्जैक्टली मैं वही देख रहा था, क्योंकि अंदर ना बिल्कुल भी घुटन नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है बाहर का ही हवा पूरा अंदर आ रहा है। बहुत सही है, टनल वर्थ विजिटिंग। मेरे पूरा ट्रैवलिंग लाइफ में ना, जब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और जब मैं यूट्यूब नहीं भी करता था, बहुत सारे फोर्ट्स इंडिया के मैं घूमा हूँ, और महाराष्ट्र में तो फोर्ट भरे पड़े। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ ना, आमेर फोर्ट जैसा फोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। इतना जो बोलते हैं ना ग्लोरियस, रॉयल और आर्ट एंड क्राफ्ट एक अलग ही है, मतलब इतना ह्यूज है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना इट विल ब्रिंग टू यू इज लाइक ए ड्रीम काइंड ऑफ ए थिंग। तो ये मेरा ना चेकलिस्ट में था आमेर फोर्ट, और थैंकफुली इस बार मुझे टाइम मिला और मैं आमेर फोर्ट देख पाया। आप भी अगर जयपुर आ रहे हो या फिर सोच रहे हो जाने का, तो ज़रूर जाना और आमेर फोर्ट तो मिस मत करना, ठीक है। इस ये मतलब ना बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, और हो सके तो आमेर फोर्ट और जयगढ़ के बीच में जो सुरंग है ना, उसको ज़रूर देखना। Thank you.